आज का हमारा टॉपिक है क्लोजिंग इंटरेस्ट। क्लोजिंग इंटरेस्ट क्या होती है ये आज हम देखेंगे, और क्लोजिंग इंटरेस्ट किस तरह से पास की जाती है ये भी आज हम देखेंगे। क्लोजिंग इंटरेस्ट होती क्या है, एंट्री करना कहते हैं हम बिजनेस के अकाउंट्स को, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं कि हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। सबसे पहले बिजनेस के अकाउंट की जहाँ एंट्री की जाती है उसको जर्नल कहा जाता है। और क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, क्लोज करने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में, यानी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो हम लोग एंट्री पास करते हैं बिजनेस के अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, उसको क्लोजिंग एंट्री कहा जाता है। अब बिजनेस के अकाउंट्स को हमें क्यों क्लोज करना होता है, क्योंकि हर ईयर एंड पे हमने देखना होता है बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस का लॉस क्या है, और कितने के एसेट, कितने की लाइबिलिटी बिजनेस के कर्ज होते हैं, एसेट बिजनेस के तमाम फायदेमंद चीज़ें होती हैं, और कितना बिजनेस के पास सरमाया पड़ा हुआ है, ये तमाम चीज़ें हमने ईयर एंड पे देखनी होती हैं। तो इसलिए हम बिजनेस के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और एंड पे बिजनेस की तमाम चीज़ों को, बिजनेस के तमाम अकाउंट्स को देखते हैं। तो इसलिए बिजनेस की क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती हैं, और क्लोजिंग एंट्रीज आमतौर पर जिन अकाउंट्स की पास की जाती हैं उसमें है बिजनेस के एक्सपेंसेस और बिजनेस के रेवेन्यू। एक्सपेंसेस क्या होता है, बिजनेस के तमाम अखराजात को बिजनेस के एक्सपेंसेस कहा जाता है। रेवेन्यू क्या होता है, बिजनेस की जो सेल्स होती हैं उसे हम बिजनेस का रेवेन्यू कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हम लोग देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो बिजनेस की जो सेल हम कर रहे हैं, सेल्स रिलेटेड जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं उन सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उन सेल्स को बनाने के लिए, या उस सर्विस, अगर बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस को देने के लिए जो डायरेक्टली एक्सपेंस हो रहे होते हैं उसे हम ट्रेडिंग में लिखते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चीज़ें हमारी जाती हैं जो बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं उस जगह का किराया देना है, बिजली के एक्सपेंसेस देने हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। तो हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर ईयर के एंड में। ऐसी एंट्रीज को हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। अब जहां तक क्वेश्चन है बिजनेस के एसेट्स का, और एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस के वैल्यूएबल चीज़ों को एसेट्स कहा जाता है, और बिजनेस की लायबिलिटीज का, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस पे कर्ज होती हैं, ऐसी अमाउंट जो हमने दूसरों की देनी होती है, या बिजनेस के कैपिटल का जो कि बिजनेस का सरमाया होता है, उसे तो हम हर वक्त मेंटेन करते हैं, क्योंकि बिजनेस की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसमें ये तमाम आइटम लिखे जाते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन भी कहते हैं, या हम SOFP लिख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के लिए, जो कि माली हालात जानने के लिए बनाई जाती है। उससे हम जिस वक्त बनाते हैं, जिस पॉइंट पे बनाते हैं, उस वक्त हम लोग उसका कैपिटल, उसकी लाइबिलिटीज, उसके एसेट्स, हर वक्त हम इसे मेंटेन करते रहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आमतौर पर जिस वक्त बनाई जाती है ये उस वक्त कंपनी के हालात बता रही होती है। और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को हम साल के एंड पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, और ये हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरे ईयर का एक्सपेंस और पूरे ईयर का रेवेन्यू जो होता है, यानी सेल्स जो होती हैं, वो दिखा रहा होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए आमतौर पर इन दो अकाउंट्स की क्लोजिंग एंट्री जरूर पास की जाती है, उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनके बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमने क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर 2017। तो 31 दिसंबर 2017 क्या है, ये साल का आखिरी दिन है, यानी जिस डेट को क्लोजिंग एंट्री साल के आखिरी दिन को पास की जाती है, तो जिस डेट को क्लोजिंग एंट्री पास की जाएगी ये वो डेट है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है सैलरीज अकाउंट की। सैलरीज अकाउंट हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्सपेंस होता है, बिजनेस की जो एम्प्लॉयज को अमाउंट दी जाती है, सैलरी दी जाती है, उनकी सर्विस की वजह से वो सैलरीज हैं हमारी, वेजेस जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं डेली वेजेस के बिना पर, यानी हम लोग जो लेबर्स हैं उनको हम लोग वेजेस देते हैं, और ये है 3000। और फिर रेंट अकाउंट है हमारे पास, जो बिजनेस का हम लोग जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ का हम रेंट पे कर रहे हैं, हम फर्ज कर लेते हैं उसकी अमाउंट है 3200। और उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होता क्या है, जब हम लोग बिजनेस, हम लोग बैंक से जब हम लोग अमाउंट लेते हैं उधार, तो बैंक हमें एक एक्सपेंस होता है, यानी बैंक कहता है उस अमाउंट से ऊपर बैंक हमसे अमाउंट वसूल करेगा, उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस कहा जाता है। और जब हम लोग बैंक में अमाउंट जमा करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट जमा करवाते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा होता है, बैंक उस पैसे को इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने की वजह से हमें एक इजाफी पैसे देता है उस पे, जिससे इंटरेस्ट कहा जाता है। अब जब बैंक हमें पैसे दे रहा होता है, हमने पैसे जमा करवाए होते हैं,
तो बैंक जो हमें पैसे देता है वो हमारी इनकम होती है। तो इंटरेस्ट अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब है ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है। जब जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये तमाम एक्सपेंसेस जो भी हमारे यहाँ पे हैं, इनको डेबिट किया जाता है। और इनकम की नेचर ये होती है कि इनकम को क्रेडिट किया जाता है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, तो इसका मतलब है ये इंटरेस्ट अकाउंट हमारा, ये जो इंटरेस्ट गिवन है ये हमारी इनकम है। अब हम इन एक्सपेंसेस की और इनकम की क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। क्लोजिंग एंट्री किस डेट को पास की जा रही हैं, ये 31 दिसंबर 2017 को पास की जा रही हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डेट लिख लेंगे, डेट हम लिखेंगे 31 दिसंबर और 2017, यहाँ हमने 2017 लिख लिया और ये क्या है 31 दिसंबर है, तो यहाँ पे हम लोग 31 दिसंबर लिख देते हैं। ये हमारे पास जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है ये जर्नल का है, सबसे पहले जो एंट्रीज पास की जाती हैं और जो ईयर एंड पे भी एंट्रीज पास की जाती हैं, अकाउंटिंग के प्रोसेस में जहाँ सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है या एंट्री पास की जाती है वो जर्नल में ही की जाती है। सबसे पहले यहाँ डेट लिखी जाती है, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं जो चीज़ डेबिट हो रही है या जो चीज़ क्रेडिट हो रही है और क्या वजह है, क्यों डेबिट हो रही है और क्रेडिट हो रही है, वो यहाँ हम जानेंगे। लेजर फोलियो में हम यहाँ जो एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री को यहाँ पास करने के बाद एंट्री को लेजर में लेकर जाया जाता है। लेजर हर चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, जैसे अगर सैलरीज हैं तो सैलरीज का एक सेपरेट अकाउंट होगा, वेजेस का अलग, रेंट का अलग, इंटरेस्ट का अलग अकाउंट होगा। अब ये अकाउंट जो बनते हैं ये हर चीज़ के, अगर हम लोग वेजेस हैं तो वेजेस बहुत ज़्यादा होंगी तो हर जो अकाउंट बनता है वो डिफरेंट पेजेस पे बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत डिटेल काम होता है। तो यहाँ जो लेजर जहाँ बनाया जा रहा है वो पेज नंबर या रेफरेंस यहाँ पे लिख दिया जाता है। डेबिट अमाउंट में जो डेबिट अमाउंट हो रही होती है वो लिखी जाती है, क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो क्रेडिट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हम एंट्री पास करेंगे वो हम पास करेंगे अपनी सैलरीज की। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। साल के आखिर में हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो रेंट एक्सपेंस है हमारा, रेंट एक्सपेंस भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। जैसे हमने देखा ये सैलरीज हम इंप्लॉयज़ को देते हैं या रेंट अकाउंट हमने जो रेंट जो हमने पे करना होता है ये हमारे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। ये हमने पी बाय लॉस हमने रिप्रेजेंट किया है प्रॉफिट एंड लॉस को शो करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, उनकी नेचर क्या है अकाउंटिंग में, इनको डेबिट किया जाता है। तो जब हम एंट्री क्लोज कर रहे होते हैं यानी इस जो चीज़ डेबिट हुई है उसको अब हमने ख़त्म करना है, क्लोज करके हमने इसे कहीं ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी ये एंट्री क्लोज करने के लिए इसकी जो भी अमाउंट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्रिएट किया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इस अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं जो कि अमाउंट है हमारी 3200 हमारे रेंट की और हमारी सैलरीज की। और सैलरीज जो कि एक्सपेंस हम चार्ज करते हैं और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो अब हमने ये एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र करना है यानी इस एक्सपेंसेस को ख़त्म करना है। तो एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट कर दिया, सैलरीज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, इसके बाद है हमारे पास रेंट, तो रेंट अकाउंट को भी हमने क्रेडिट कर दिया। सैलरीज अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रही हैं, 4000 है, तो 4000 से सैलरीज हमारी क्रेडिट हो रही है और 3200 से हमारा रेंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास, हमने ये अकाउंट जो सैलरीज का और रेंट अकाउंट को हमने क्लोज करना है, ये दोनों मिला के हम कितनी अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, वो हो जाएगी 7200 यानी 7200 रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया बैलेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, पी बाय एल हमने शो किया है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। यानी हमने जो बैलेंसेस से सैलरीज के और रेंट के वो हमने ट्रांसफर कर दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी साल के एंड पे हमने ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दी और सैलरीज और रेंट अकाउंट को अपने क्लोज कर दिया। पहले डेबिट होती है इसकी अकाउंटिंग नेचर, तो हम जो चीज़ डेबिट होती है उसको हम अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं या अब हम इस अमाउंट को ख़त्म कर रहे हैं और उस अमाउंट को ट्रांसफर करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया। इसके बाद है हमारे पास वेजेस। वेजेस को कहाँ लिखा जाता है, वेजेस वो चीज़ होती है मजदूरी यानी जो लेबर्स को पैसे पे किए जाते हैं। अगर हम लोग सेल्स कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो सेल्स या सर्विस से डायरेक्टली जो वेजेस का लिंक है, क्योंकि वेजेस लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली उस सेल्स के लिए या उस सर्विस के लिए वो काम कर रहे हैं, तो ये बैलेंस हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जो डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट सेल्स या सर्विस से हमारे रिलेट करते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हमारे ये जो वेजेस एक्सपेंस है इसको हमने क्लोज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट को हमने डेबिट किया, यानी ये अमाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ये एक्सपेंस हम अपना रिकॉर्ड करेंगे और ये हमारा एक्सपेंस कितना है 3000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3000 का हमारा ये एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने भेज दिया। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
हमारी वेजेस जो कि एक्सपेंस था, जब वेजेस हमारी एक्सपेंस थी तो हमने इसे डेबिट किया था, और वेजेस को जब हम खत्म कर रहे हैं, वेजेस को ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम अब इसको क्रेडिट कर देंगे। और कितनी अमाउंट से हमारी वेजेस क्रेडिट हो रही हैं? 3000 रुपीज से। और यहाँ पे हमने लिख दिया बैलेंसेस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये बैलेंस हमने वेजेस का जो हमारा एक्सपेंस था ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ जो हमने ये डाला है इसका मकसद ये है कि ये हमारी क्लोजिंग एंट्री है, और ये भी हमारी क्लोजिंग एंट्री है, और ये जो अब आ रही है ये भी हमारी क्लोजिंग एंट्री है। अब हम देख लेते हैं अब इसके बाद हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है, और वो है 1400 रुपये से इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्रेडिट है, तो इसका मतलब है 1400 रुपये से इंटरेस्ट अकाउंट हमारी इनकम है, तो इसको अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इनकम की अकाउंटिंग नेचर ये होती है, जब भी बिजनेस की इनकम या सेल्स आती हैं तो उसे क्रेडिट किया जाता है। जब भी क्लोजिंग एंट्री की जाती है, जो उसकी असल नेचर होती है, यानी अगर उसे क्रेडिट किया जाता है तो उसको डेबिट किया कर देंगे। डेबिट करने का मकसद ये है कि अब ये जो इनकम है हमारी, जैसे कि यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट है, ये अब हमारा क्लोज हो गया है, यानी अब हम इसे खत्म कर रहे हैं। क्रेडिट होता है अगर नॉर्मली तो उसे आप डेबिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इस इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट से खत्म करके और इसे हम कहीं भेज रहे हैं। अब कहाँ भेज रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट को हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्लोज होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है इस अमाउंट से, क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इस इंटरेस्ट अकाउंट को हमने खत्म कर दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से हमारा क्रेडिट हो रहा है? 1400 से हमारा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया बैलेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी बैलेंसेस जो हैं वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए हैं। तो आज हमने सीखा किस तरह से क्लोजिंग एंट्रीज को पास किया जाता है, और क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं जो साल के आखिर में की जाती हैं, और हमने देखा किस तरह से हम अपने एक्सपेंसेस या इनकम को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जिसको अकाउंटिंग में हम कहते हैं अकाउंटिंग क्लोजिंग एंट्रीज हमने की हैं और अकाउंट्स को क्लोज किया है।